हेलो टू वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। एंड अभी इस वीडियो में बात करेंगे दो अपडेट्स के बारे में। दो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपडेट्स है एंड एक एन कॉलेज का अपडेट्स है। दोनों अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। सो चलिए बिना बकवास के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अपडेट्स कुछ इस तरह से कि एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स है, ठीक है। आप लोगों का एडमिशन रिलेटेड अपडेट होने वाला है। सो पहले ही बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्लियर ना हो आप लोगों को। तो ये अपडेट जो है पाटलिपुत्रा का ऑफिशियल अपडेट है, 26 तारीख को जारी किया गया था। और ये है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, ये पूरा पाटलिपुत्रा का नहीं है, ये अलग कॉलेज का है। कहाँ का है देखिए, RPS कॉलेज मोकामा। ओके, तो यहाँ पर देखिए BA BSc पार्ट टू सेशन 2020-21 में नामांकन का डेट दिया गया है 1/3/2021 से लेकर 6/3/2021 तक महाविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन। सो ये वाले सभी कॉलेज के लिए मतलब एक ही है कि आपको नामांकन पोर्टल, एडमिशन पोर्टल जो होगा PPU पे, वहाँ पर जाके आपको पहले सबसे पहले नामांकन रसीद, पंजीयन पत्र एवं एडमिट कार्ड तीनों अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कैसे कैसे करना है किसी भी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म फिलअप वगैरह सारा पूरा फुल डिटेल में प्रोसेस बता रखा है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में। सो उसको जाके जरूर देखिएगा एक बार ताकि आपको पूरे प्रोसेस समझ में आए। सो यहाँ पर एक नोट भी दिया गया आप लोगों के लिए, वैसे छात्र जो पार्ट वन का एग्जाम नहीं दिए थे या एब्सेंट थे, उपस्थित नहीं थे, वो अगर पार्ट टू में एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे तुम ले सकते हो। तुम ही सोचो, अगर आप तुम एग्जाम ही नहीं दिए तो पार्ट टू में आप लोग प्रमोट कैसे होगा बिना एग्जाम के, बिना रिजल्ट के। सो उन लोगों का नहीं होगा नामांकन, सीधा सीधी लिखा गया है। उसके बाद अगर नामांकन कर भी ले तो फी पेमेंट तो कर दोगे, लेकिन फी पेमेंट चला जाएगा आपका, मतलब जो भी पैसा दोगे वापस नहीं करेंगे ये लोग, एंड जो भी करोगे उसका जिम्मेदार खुद होगे। तो पार्ट वन वाले जो अभी तक एग्जाम में बैठे ही नहीं थे वो एडमिशन लेने का ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरा नहीं कहना, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कहना है, ठीक है, तो मेरे पर मत गुस्सा हो जाना। उसके बाद एन कॉलेज का, अनुग्रह नारायण कॉलेज का, ये है 26 तारीख को ही निकला था कि वैसे छात्र छात्राएं को सूचित किया जाता है जो BA BSc में स्नातक पार्ट टू पार्ट थर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं 2018-21 सेशन वालों के लिए, BA BSc स्नातक पार्ट टू में 2019-22 सेशन वालों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया बिना विलंब शुल्क के साथ 27 तारीख से स्टार्ट होगा आप लोगों का एंड 6 तारीख तक आप लोग को चलेगा। ये एन कॉलेज वालों के लिए, आप लोग एन कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है, निर्धारित है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के पत्रांक R/PPU/12/18/2021 दिनांक 11/2/2021 के निर्देश पर महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। छात्रों को सबसे पहले अपने http://onfportal.la पर जाकर लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद यूजर ID, छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जन्मतिथि के साथ इस्तेमाल करेंगे लॉग इन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन फॉर एडमिशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडमिशन करवा लेंगे। अपना स्टूडेंट लॉगिन फॉर एडमिशन एन कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद लिखा गया है कि पर बीते करेंगे जिसमें छात्र को विवरण खुलेगा, छात्र का जो भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है यार कि कैसे आप किसी भी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है, ये सब लिखा गया है इसमें। उसके बाद थर्ड में लिखा गया अंत में नामांकन शुल्क का पेमेंट करना होगा। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वंचित दस्तावेज डाउनलोड कर, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, जैसे कि नामांकन प्रक्रिया कर लिए तो उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना एक, ठीक है, सभी चीज़ का प्रिंटआउट निकलवा लेना एक नहीं तो दो रख ही लेना, काफ़ी आगे जाके काउंसलिंग में काम देगा, एडमिशन कॉलेज जाओगे ना उसको लेकर तो काम देगा। तो वो सब कर लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे, जिसे कालांतर में महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के निर्देशानुसार महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। सूचना पर उपरोक्त मूल दस्तावेज साथ में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सो यही था नोटिस। और सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है जो आपको ध्यान में रखना है। एडमिशन तो हो ही जाएगा, एडमिशन के बाद काउंसलिंग में सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो उसके लिए आप लोग पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है। तो एडमिशन का अप्लाई कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।